और हमने जब देखा कि पुलिस वाले हमारी बात सुन नहीं रहे, तो हमने कुछ दिनों के बाद हमने कलवा हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल से, हम लोग वहाँ के फुटेज लेके आए। फुटेज लाने के बाद भी अमरनाथ के जो सीनियर ऑफिसर है जादव साहब, इन्होंने और एसीपी जो सुनील जो हैं वहाँ के, उन्होंने भी हमारी बात को ना दरकिनारा किया। जब हमने कलम 169 में कोर्ट का सहारा लिया और ये सारे एविडेंस हमने जब कोर्ट में प्रेजेंट किए, तभी जाकर ये दो फैमिली को उसमें से आरोप मुक्त किया गया। तो दर्शकों, देखा आपने ये जो लंबा सफर था, जो एक साल का सफर, इस एक साल के सफर में इस फैमिली के साथ में जो जो हुआ, हम चाहते नहीं है कि किसी और फैमिली के साथ में हुए। आज ये पुलिस वाली की देन थी कि इनको वो सफर से गुजरना पड़ा। आपका क्या नाम है बताइए? ऐश्वर्या साठी। ऐश्वर्या, बताइए आप हमारे मीडिया को क्या बोलना चाहते हैं? मी मुंबई पे क्राइम ब्रांचची खूप आभारी आहे, कारण त्यांनी आपल्याला खूप सहायता केली आहे, खूप मदत त्यांची आम्हाला झाली। ते जर नसते तर आम्ही ह्या केसमधून आम्ही निघू नव्हतो शकलो। मी आणि माझ्या आईवर केस केली गेली होती, आम्ही 169 मधून तुमच्यामुळेच निघू शकलो। सर, तुमचं जे पण काय आम्ही मानतो, आम्ही तुम्हाला खूप मानतो, तुम्ही आहात म्हणून आज आम्ही ह्या गोष्टीमधून निघू शकलो, म्हणून मी तुमचे खूप आभारी आहे। त्यापैकी क्राईम पेची टीम जेवढी पण आहे, विनोद सर, विश्वनाथ सर आणि दिनेश सर, मी यांचे खूप आभारी आहे। हे जर नसते तर मग मला नाही वाटत का ह्या गोष्टीमधून आम्ही निघू शकत होतो, कारण की आमच्यावर खोटा गुन्हा दाखील केला होता। आम्ही नाही कधी म्हणजे त्यांच्या समोर आलो, नाही कधी असं बोलणं झालं आमचं, पण आमच्यावर खोटा आरोप लागला गेला, माझ्यावर ना आईवर। पण आम्ही 169 केसमधून तुमच्यामुळे निघू शकलो, एवढंच मी तुम्हाला सांगू शकते का, तुमची मी खूप आभारी आहे। सलीम भाई, आप बताइए हमारे मीडिया को आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्राइम पेज की जो टीम है, ये मेरे मित्र हैं, विनोद सर, दिनेश होजगे सर, विश्वनाथ सर। ये अगर नहीं होते सर तो मेरी पूरी फैमिली के ऊपर आज जो परेशानी घट रही है, इससे मैं शायद मुक्त नहीं हो पाता था। तो दर्शकों, देखा आपने हमारी मीडिया अपनी खुद की पीठ थपथपाने के लिए ये केस आप लोगों को दिखा नहीं रहे। हमारा मकसद इतना ही है कि लोगों के साथ में जो पुलिस वाले जो अत्याचार करते हैं, उस अत्याचार का सामना कॉमन मैन के पास कानून का जानकारी नहीं होने की वजह से वो हार जाते हैं। मैं अपनी मीडिया के माध्यम से तमाम जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी अगर कोई ऐसी घटना होती है जहाँ पुलिस वाले आपके ऊपर झूठा आरोप लगा के आपके ऊपर एफआईआर करते हैं, तो हमारी मीडिया से आप जरूर संपर्क करें। हमारी मीडिया का नंबर है 9702269504 और दूसरा नंबर है 7977194366। मैं वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मुंबई क्राइम पेज,